हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स में जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको मेन ध्यान रखना है क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, सॉल्यूशंस आपको कहीं से मिल जाएंगे, लेकिन हमको ऐसे प्रिपेयर करना है कि अगर उस टाइप का क्वेश्चन दोबारा आगे अगर फ्यूचर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसा जेई मेंस में अक्सर होता है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो कॉन्सेप्ट आपको सीखना है कि क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, और ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे अप्रोच करें ताकि एग्जाम में एक्यूरेट आंसर मिले। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि f इज ए ट्वाइस डिफरेंशियबल फंक्शन। f एक ट्वाइस डिफरेंशियबल फंक्शन है और f की वैल्यू है इसके इक्वल इंटीग्रेशन a टू x जी ऑफ t dt। और यहां पर फॉर ए डिफरेंशियबल फंक्शन fx and fx equal to 0 has exactly 5 distinct roots in a to b, then gx dash x equal to 0, इसके roots हमको बताने हैं। So देखिए students, ये वाला question थोड़ा सा ambiguous है। Actually examiner ने question में ये दिया हुआ है कि fx equal to a to x g of t dt, Leibniz theorem का question है। Leibniz theorem का जब हम application करते हैं, तो Leibniz theorem होती है, suppose एक function fx is equal to integration ux to vx और gx dx, या फिर जी टी डी टी ले सकते हैं। ये वाला जो वेरिएबल होता है ये डमी वेरिएबल होता है, एक्स पुट कर सकते हो, टी पुट कर सकते हो, पी कुछ पुट कर सकते हो, ये वेरिएबल डमी वेरिएबल है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहां से एफ डैश एक्स की वैल्यू आती है, यू एक्स को इसमें पुट करते हैं, सो जी ऑफ यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई यू एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, यू डैश एक्स इसको इरेज करने के लिए, हाँ, मल्टीप्लाइड बाय यू डैश एक्स, फिर बीच में माइनस साइन, जी के अंदर अब की बार यू वी, एक्चुअली अपर लिमिट है, वी है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें वी पुट कराएंगे, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, सो जी ओ वी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय वी डैश एक्स माइनस जी ओ यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय यू डैश एक्स, दिस इज कॉल्ड एज अ लेबनीट थ्योरम। तो यहां पर डिनोमिनेट जो लोअर लिमिट है वो तो a है, तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। अपर लिमिट जब x पुट करेंगे x का डिफरेंशिएशन वन होता है, तो यहां पर सिंपली ये लिखा हुआ है कि f डैश x इज इक्वल टू जी ऑफ x, f डैश x इज इक्वल टू जी ऑफ x, तो f डबल डैश x कितना होगा, f डबल डैश x इज इक्वल टू जी ऑफ g डैश ऑफ x। अब स्टूडेंट्स हमसे जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी डैश एक्स इक्वल टू जीरो के सोल्यूशन पूछे हैं, इसका मतलब है जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और जी डैश एक्स इक्वल टू जीरो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इन दोनों सॉल्यूशंस को हम ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इंटरवल है ए टू बी। तो देखिए क्वेश्चन बड़ा क्रूड सेंस में पूछा हुआ है, अगर एफ एक्स के सॉल्यूशंस फाइव हैं, एफ एक्स के फाइव डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस हैं, तो एक्चुअली एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को जिस हिसाब से सॉल्व किया हुआ है उसने ये अज्यूम कर लिया कि अगर इसके फाइव सॉल्यूशंस हैं तो एक प्रॉपर्टी होती है कि एफ डैश एक्स के फोर सॉल्यूशंस होंगे। अगर इसके फाइव सॉल्यूशंस हैं इसके फोर सॉल्यूशंस होंगे, और अगर इसके फोर सॉल्यूशंस हैं तो इसके थ्री सॉल्यूशंस होंगे। अगर एफ एक्स इक्वल टू जीरो के फाइव सॉल्यूशंस हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो के फोर सॉल्यूशंस होंगे, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू जीरो के थ्री सॉल्यूशंस होंगे। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, एटलीस्ट 7 सॉल्यूशंस तो होंगे ही होंगे इस क्वेश्चन में आंसर आएगा। लेकिन अभी इस क्वेश्चन की और थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे, एक्चुअली इसमें सॉल्यूशंस पॉसिबल है, ये सॉल्यूशन है कि मिनिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इसमें इससे ज्यादा सॉल्यूशंस भी पॉसिबल है, देखिए कैसे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, हमने क्वेश्चन बड़ा क्रूड सेंस में पूछा हुआ है, इसके फाइव सॉल्यूशंस, इसके फोर सॉल्यूशंस, इसके थ्री सॉल्यूशंस, 4 प्लस 3 इज़ इक्वल। लेकिन अभी क्वेश्चन के हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर f इक्वल टू 0 के एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस हैं और fx एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो fx का हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ये पॉइंट है a, ये पॉइंट है b, तो fx का ग्राफ कुछ ऐसे कट करते जा रहा होगा 5 नंबर ऑफ टाइम्स। अगर हम इसमें x इक्वल टू a पुट करेंगे तो f ऑफ a इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहां पर लिमिट a टू a हो जाएगी g ऑफ t dt, जब भी लिमिट a टू a होती है अंदर चाहे कोई भी फंक्शन हो आंसर आ जाता है 0, तो 0 पर वैल्यू fx की 0 है, सॉरी a पर वैल्यू fx की 0 है, ओके। वैसे भी हमको ओपन इंटरवल a टू b दिया, तो हमको इन दोनों,
अब इन दोनों के बीच में एफ डैश एक्स के फाइव सोल्यूशन है, तो एफ डैश एक्स कुछ ऐसे बन रहा होगा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है स्टूडेंट्स। एफ डैश एक्स सॉरी एफ इस लाइन को एटलीस्ट 5 टाइम्स कट करेगा, तो एटलीस्ट 5 टाइम्स कट करेगा, उसके बाद बी पे वैल्यू कुछ नेगेटिव पॉजिटिव कुछ हो सकती है, लेकिन अभी हमको इतना बस मालूम है कि एटलीस्ट 5 टाइम्स कट कर रहा है। तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो के 5 सॉल्यूशंस हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो के कितने सॉल्यूशंस हैं, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो के सॉल्यूशंस हमको मिलेंगे जहां पर ये मैक्सिमा और मिनिमा अटेन कर रहा है 1, 2, 3, 4, 5। सो 1, 2, 3, 4, 5 एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं स्टूडेंट्स 5। अब यहां से हम देखें कि अगर एफ डबल डैश एक्स की बात करें, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू जीरो के कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू जीरो वहां पर होता है जहां पर कर्व अपनी कॉनकेविटी को चेंज करता है। कॉनकेविटी को चेंज करने का ये मतलब है, पहले अगर कॉनवेक्स अपवर्ड है बाद में कॉनवेक्स डाउनवर्ड है, पहले अगर कॉनकेव अपवर्ड है बाद में कॉनकेव डाउनवर्ड है, ऐसे पॉइंट जहां पर सेकंड डेरिवेटिव जीरो होता है, उसके बाद फर्दर डेरिवेटिव टेस्ट हम नहीं करें, केवल अगर ये बात करें कि एफ डबल डैश एक्स जहां पर जीरो होता है तो वहां पर हम बोलते हैं कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इस कर्व में देखते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां पर है स्टूडेंट्स, ये वाले जो पॉइंट्स हैं जहां पर, जैसे ये वाला पॉइंट है, तो इससे पहले कर्व कॉनकेव डाउनवर्ड था उसके बाद कॉनकेव अपवर्ड हो गया, तो ये एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ऐसे ही ये दूसरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये तीसरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, और ये चौथा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। नॉट नेसेसरीली, जरूरी नहीं है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रेड वाली लाइन के ऊपर ही लाई करे, हो सकता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इससे थोड़ा सा पहले या फिर थोड़ा सा बाद में हमको मिल जाए, लेकिन कहने का मतलब यह है कि इन दोनों येलो पॉइंट्स के बीच में, ये वाला जो एक येलो पॉइंट है और ये जो दूसरा एक येलो पॉइंट है, इन दोनों येलो पॉइंट्स के बीच में कहीं ना कहीं पे हमको एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा। तो इसमें 4 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यानी एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू जीरो के 4 सॉल्यूशन हमको मिल रहे हैं। तो 5 प्लस 4 करेक्ट आंसर शुड बी 9। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 9 आ सकता है, लेकिन उसने मिनिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा हुआ है कि एटलीस्ट कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो कम से कम स्टूडेंट 7 सॉल्यूशंस तो होंगे, लेकिन एक्चुअली इसमें 9 सॉल्यूशंस भी पॉसिबल है। तो थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा एम्बिग्यूटी है क्वेश्चन में, लेकिन अभी हमने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पूरा देख लिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स गिवन है इंटीग्रेशन जीरो टू पाए साइन क्यूब एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू है अल्फा माइनस बीटा अपॉन ई जीरो टू वन ई टू द पावर टी डी टी, देन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी ई पावर में माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आता है तो वो एक नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन होता है। जब भी ई की पावर में माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इस टाइप का कुछ होता है तो ये एक्चुअली एक नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है। हमको ये देखना है कि यहां पर क्या हम कुछ भी करके इस टर्म को रिमूव कर सकते हैं यहां से, क्या हम यहां से इस टर्म को रिमूव कर सकते हैं। ई की पावर माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा, इसको हमको ई की पावर माइनस टी, ई की पावर प्लस टी, ई की पावर अंडर रूट टी, ऐसे कुछ फॉर्म में अगर मिल जाएगा तो शायद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अभी ई की पावर माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये बात आप लोग याद रखना कि इसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, कुछ हमको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अब सब्स्टिट्यूशन एक तो सिंपल सिंपल यही नजर आ रहा है कि साइन स्क्वायर यहाँ पर एक चीज और ऑब्जर्व करने वाली बात है, जीरो टू पाई और इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम जीरो टू टू टाइम्स ऑफ समथिंग करें तो ये इक्वल आता है 0 टू 2a f ऑफ 2a माइनस x dx, इसके इक्वल रूल है ना, कि लिमिट्स को ऐड कर देते हैं और इसमें सबट्रैक्ट कर देते हैं। अगर ऑब्जर्व करें कि अगर किसी फंक्शन में f ऑफ 2a माइनस ऑफ x की वैल्यू f ऑफ x के ही f ऑफ 2a माइनस x की वैल्यू के इक्वल आ रही है, तो इक्वेशन 0 टू a x dx 2 टाइम्स ऑफ dx, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम x पाई माइनस x से रिमूव रिप्लेस करें
तो कोई चेंज नहीं आ रहा। तो सपोज करते हैं इसकी वैल्यू आई के इक्वल लिखी हुई है, तो हम बोलेंगे आई इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू साइन क्यूब एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। स्टूडेंट्स लिमिट हाफ हो जाएगी, टू बाहर आ जाएगा, तो फर्स्ट स्टेप तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी इसके बाद हमको साइन स्क्वायर एक्स को टी पुट करना है, तो यहां पर साइन क्यूब एक्स है, इस साइन क्यूब एक्स को भी हम टू पार्ट्स में लिख सकते हैं, साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स। अभी साइन स्क्वायर एक्स को टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहां पर बन जाएगा ये क्वांटिटी टी बन गई है और ये क्वांटिटी भी टी बन गई है, और डी एक्स की वैल्यू हम यहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टू टाइम्स ऑफ जीरो टू पाई बाई टू। अभी देखो स्टूडेंट्स इस 2 को भी रिमूव कर देते हैं, 2 sin x dx की वैल्यू हम यहां से निकाल के पुट करते हैं, 2 sin x dx इज इक्वल टू, 2 sin x dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय cos x, और cos x कितना होगा, अगर sin स्क्वायर x की वैल्यू t है तो यहां से हम बोल सकते हैं कि cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस t, तो cos स्क्वायर x की वैल्यू 1 माइनस t है, तो यहां पर cos x की वैल्यू पुट कर सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस t। ओके स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट जीरो टू पाई बाई टू है, अच्छा क्योंकि हम इसको सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं तो लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी, तो यहां से बनेगा स्टूडेंट्स जब वैल्यू जीरो तो टी की वैल्यू भी जीरो, जब एक्स की वैल्यू वन है तो टी की वैल्यू वन, तो लिमिट बन गई जीरो टू वन। नेक्स्ट पॉइंट अभी इसके बाद 1 माइनस टी जो है इसको हम पुट कर देते हैं समथिंग z, सो 1 माइनस टी इज इक्वल टू z। माइनस टी इक्वल टू जब जेड पुट करेंगे तो यहां से बनेगा माइनस ऑफ डी टी इज इक्वल टू डी जेड, कैसे चेंज होगी देखो, टी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो जेड की वैल्यू, टी इक्वल टू करेंगे तो जेड की वैल्यू जीरो, टी की वैल्यू वन माइनस जेड, वन माइनस जेड अपॉन वन माइनस टी की वैल्यू जेड, तो अपॉन अंडर रूट ऑफ जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ जेड इज टू द पावर माइनस ऑफ टी, माइनस ऑफ टी की वैल्यू जेड माइनस वन, सो ई टू द पावर जेड मीन्स अपॉन ई आ जाएगा बाहर, और डी टी की वैल्यू है माइनस ओ डी जेड के, तो डी जेड यहाँ पे लिखा हुआ है और माइनस ये जो माइनस साइन है ये अगर कर देंगे तो यहाँ से माइनस साइन हो जाएगा रिमूव, और ये बन जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू वन। आपको समझ आ जाओगे अच्छे से यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है 1 बाई ई इंटीग्रेशन 0 टू 1 1 बाई अंडर रूट ऑफ जेड ई टू द पावर जेड ओके माइनस, और इसके साथ डी जेड भी लिख देते हैं, माइनस 1 बाई इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ जेड टू द पावर जेड डी जेड ओके। तो ये क्वांटिटी तो z e to the power 0 to 1 by root z dz, इसको करने के लिए हम इसको फंक्शन मान लेंगे, तो क्वेश्चन मतलब नहीं, लेकिन आपको कौन सा रखना है एग्जाम में इतना क्वेश्चन जल्दी पास हो जाता है, अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसके बाद एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है वो टाइम के साथ सॉल्व हो जाता है, एग्जाम कॉन्सेप्ट सॉल्व कर द हेल्प इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सो 1 बाय अंडर रूट ऑफ जेड ई टू द पावर जेड डी जेड, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट, और आई लेट वाला जो फॉर्मूला होता है आई एल ए टी ई
तो उसमें दिस इज द प्रेफरेंस ऑफ चूजिंग द फर्स्ट फंक्शन। तो यहां पर हम देखते हैं कि किस फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन चूज करें, इस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन चूज करें या फिर इस वाले को, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज द लास्ट प्रेफरेंस टू चूज एज द फर्स्ट फंक्शन। तो ये काम करते हैं स्टूडेंट्स कि हम जेड फंक्शन चूज और चूज दिस एज द फर्स्ट फंक्शन, दिस एज द सेकंड फंक्शन। आइडेट में एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है, तो फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे, सेकंड फंक्शन इसको मानेंगे। पावर माइनस 1/2 इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा माइनस वन और यहाँ पे बन जाएगा माइनस 1/2, राइट। लेकिन अगर हम क्वेश्चन के साथ तो स्टूडेंट माइनस, लेकिन हमको अप्रूव तो मिलेगा देखिए आइलेट कोडिंग एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन मानना चाहिए। ट्रायल करके आपको एग्जाम में देखो स्टेप ना हो कि स्टेप यूज, इसमें एक फंक्शन मान लिया उसको सेकंड मान लिया तो और ना नहीं है। इसको आपको जैसा क्वेश्चन और ही सोचना, तो यहां पर हम पावर में माइनस और क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन। अभी देखो कैसे होगा, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन जेड की पावर माइनस 1/2 ई टू दी पावर जेड डी जेड, दिस इज द सेकंड फंक्शन, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। इज सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन z पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन z पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1। देखो अंडर रूट z आ रहा है, हमको अंडर रूट z चाहिए था, राइट। फिर बीच में माइनस साइन, e पावर z का डिफरेंशिएशन e पावर z और z पावर अगेन इसका जो इंटीग्रेशन उसको यहां पे लिखेंगे, सो z पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन 1 और यहां पे हो जाएगा dz। तो लिमिट्स हैं वो सेम रहेगी, 0 टू 1 है तो 0 टू 1 है। अब हम इस पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं और यहां से वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वहां से हमको आंसर मिलेगा। यहाँ पे यूज करता हूँ ताकि आपको और क्लियरली दिख, z पावर माइनस 1/2 प्लस 1 मीन्स z पावर प्लस 1/2 मीन्स अंडर रूट ऑफ z, यहां पर माइनस यहां पे बनेगा 2 इंटीग्रेशन e पावर z z पावर 1/2 मीन्स अंडर रूट ऑफ z dz, राइट स्टूडेंट। आ रहा होगा 0 टू पुट करके 0 करेंगे तो 1 से ये तो 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंपली 2 टाइम्स e और माइनस करने से 0 बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू आई 2e माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस क्वांटिटी। सो इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं इस वैल्यू को, तो 1/e और 2e तो कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बन जाएगा केवल 2, फिर बीच में माइनस 2/e और इस इंटीग्रेशन को हम जो यहां पर जो इंटीग्रेशन किया हुआ है, इस इंटीग्रेशन की समथिंग कोई भी नंबर ले लो z के इक्वल, सो 2e इंटू z माइनस 1/e इंटू z, ये भी लिमिट 0 टू 1 है, तो माइनस 1/e इंटू z। तो स्टूडेंट्स यहां से बन गया 2 माइनस 3e बाई z और क्वेश्चन में क्या गिवन है, अल्फा माइनस बीटा अल्फा, यहां से जब हमने कंपेयर किया तो अल्फा की वैल्यू आ रही है 2 और बीटा की वैल्यू आ रही है 3, अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा इक्वल टू 3, तो एडिशन करने से फाइनली आंसर कितना मिला 5। तो क्वेश्चन ले आप ऑब्जर्व ताकि इंटीग्रेबल हो जाए इस पर, उसके बाद हमने मैनेज किया तो वहां पर 1 माइनस टी की टर्म आ रही थी,
हमने वन माइनस टी को माइनस जेड, उसके बाद ये जो जेड मान है ये जेड होगा, ना हो इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन की हमने कुछ भी अपनी साइड से एक वैल्यू अज्यूम कर ली, सपोज इसकी वैल्यू पी के इक्वल, तो यहाँ से आया ये टू पी, मतलब ये पी लिखा हुआ है बेसिकली, इंटीग्रेशन लिखा हुआ है जेड से, आप कंफ्यूज मत होना कि ये दोबारा जेड कहाँ से आ रहा है, वो बेसिकली पी लिखा हुआ है, जो भी इंटीग्रेशन है उसको हमने पी लिख दिया ताकि ये कंपेरिजन करना आसान रहे, ठीक है, वो बार बार लिखना पड़ रहा था इसलिए मैंने उसको पी अज्यूम कर लिया, तो टू माइनस थ्री इन टू पी। फाइनल स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आई थिंक में प्रेफरेंस ऑफ चूजिंग द फर्स्ट फंक्शन, वो हमेशा क्या होती है कि ई लास्ट में आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन हम चूज नहीं करते हैं क्योंकि सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना जनरली कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो थर्ड पॉइंट हमने जो सीखा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने सीखा है, वो ये है कि जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें हमेशा आईलेट वाली ही प्रेफरेंस यूज करोगे, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग हम उसमें डिफरेंट फंक्शन को भी फर्स्ट फंक्शन चूज कर सकते हैं। सो दिस इज अ होल क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तो एक बार आप नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करिए। माइनस वन बाई रूट टू टू प्लस वन बाई रूट टू एक्स प्लस अपॉन एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, दोनों पे स्क्वायर है और माइनस टू है और पूरे की पावर वन बाई टू भी है और ऐसे ऑप्शन दिए हैं। एक चीज आपको साफ नजर आ रही है कि अगर ये टी लिखा हुआ है, अगर ये समथिंग टी लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो ये वन बाई टी लिखा हुआ है, तो टी प्लस वन बाई टी, टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर माइनस टू, तो इसका मतलब क्या है, टी माइनस वन बाई टी का होल स्क्वायर। सो बेसिकली फर्स्ट स्टेप में हम इसमें लिखेंगे आई इज इक्वल टू दिस, सो दिस इंप्लाइज दैट आई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई रूट टू टू प्लस वन बाई रूट टू, ओके, टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर माइनस टू मीन्स टी माइनस वन बाई टी होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस इसका होल स्क्वायर है और पूरे की पावर वन बाई टू है और डीएक्स है। अभी सब्सिट्यूट नहीं किया हमने, अभी बस मैं आपको बता रहा हूं कि ये मतलब कोई एक नंबर अगर टी लिखा हुआ है तो वन बाई टी लिखा हुआ है, सो इस फॉर्मूले का हमने यूज किया हुआ है बिकॉज टू इंटू यहां पर टी इंटू वन बाई टी बोल सकते हैं, तो ये दोनों सेम सेम लिखे हैं। अब देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहां पर इसको कैंसिल कर देते हैं और इसको ऐसे, लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो स्क्वायर रूट फंक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव स्क्वायर रूट फंक्शन होता है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि जब भी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा होता है तो जब हम इस स्क्वायर रूट को रिमूव करते हैं तो मॉड आता है, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास मॉड। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यानी कि इसको हम तो कर सकते हैं कैंसिल तो कर सकते हैं लेकिन एक मॉड आ जाएगा, तो यहां पे इसको जब हम रिमूव करेंगे तो यहां पे आएगा मॉड। अब इसको सिंप्लीफाई करना, अच्छा ये एक्स प्लस टू नहीं, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, बोथ से मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस साइन आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब हम एलसीएम लेंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, राइट, एलसीएम में ये दोनों चीजें प्रोडक्ट हो जाएगी, बोथ से मल्टीप्लाई होगा, बोथ से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स, बाकी सभी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी ऊपर केवल, तो यहां पे हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन माइनस वन बाई रूट टू प्लस वन बाई रूट टू आई इज इक्वल टू फोर एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन और यहां पर मॉड और यहां पर डी। अभी स्टूडेंट्स एक चीज आप ऑब्जर्व करिए कि अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो यहां पर तो एक्स स्क्वायर है तो कोई चेंज नहीं आएगा, यहां पर मॉड एक्स है मतलब ये जो मॉड है एक्स जो है मॉड के अंदर आ रहा है तो यहां पर भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो एक्स को माइनस ऑफ एक्स से रिप्लेस करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब हम इसको लिमिट को जीरो टू वन बाई रूट टू कर सकते हैं और बाहर एक टू मल्टीप्लाई, ओके, जीरो टू वन बाई टू
सॉरी जीरो टू वन बाई रूट टू और बाहर टू टाइम्स हो गया और ये फोर एक्स, राइट। अब जब x की वैल्यू जीरो से वन बाई रूट टू है, ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव है, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस वन की अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस वन एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो इस मोड को हम रिमूव कर सकते हैं, यहां से मोड को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन माइनस साइन आएगा, मोड को रिमूव कर सकते हैं बट विद ए माइनस साइन। क्यों? क्योंकि मोड एक्स की प्रॉपर्टी होती है कि मोड एक्स को हम डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं जब अंदर आने वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, मोड एक्स को हम एक माइनस साइन के साथ रिमूव करते हैं जब अंदर आने वाली क्वांटिटी नेगेटिव होती है, तो मोड को रिमूव कर दिया लेकिन एक माइनस साइन आएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब इसको आगे सॉल्व करना है, तो बेसिकली इस इंटीग्रल की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। इस इंटीग्रेशन को करने के लिए हम एक काम करते हैं कि x square minus 1 को समथिंग t पुट कर देते हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट 2x dx इज इक्वल टू dt, 2x dx इज इक्वल टू dt। सो इंटीग्रेशन i, यहां पर मैं डिफरेंट कलर का पेन यूज कर लेता हूं, ग्रीन। सो i इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 by root 2, ये x की लिमिट थी। अब इसमें जब हम x को जीरो पुट करेंगे तो t की वैल्यू माइनस वन, x को जीरो पुट करने से t की वैल्यू माइनस वन, और यहां पर x को जब वन बाय रूट टू पुट करेंगे, तो t की वैल्यू कितनी होगी, वन बाई टू माइनस वन, दैट इज माइनस वन बाई टू, तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू। टू एक्स डी एक्स की वैल्यू dt है, तो 4x dx की वैल्यू हो जाएगी 2dt अपॉन x स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू t है, तो ये हो गया t। एक माइनस साइन पहले से बाहर था तो वो माइनस साइन को हमने यहां, एक चीज याद रखना, ये जो माइनस साइन है ये लिमिट्स में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लिमिट्स में इस माइनस साइन को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर लिमिट्स में माइनस साइन को मल्टीप्लाई करना है तो t को माइनस ऑफ t से रिप्लेस करना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम कर सकते हैं, जो जिसकी अभी हमको कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि ये माइनस साइन हमको कोई खास प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। तो क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो यहां से बन जाएगा माइनस ऑफ 2 इंटीग्रेशन 2 log t, 2 log t विद वैल्यूज माइनस 1 बाई 2 टू माइनस, और यहां पर मोड भी आता है माइनस 1 बाई 2 टू माइनस 1, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 4 log नेचुरल 1 बाई 2, और log 1 तो 0 था, तो यहां से ऑप्शन हमारा बन जाएगा दिस इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 log 2, आंसर आ रहा है 4 log 2, 4 log 2 मींस log natural 2 to the power 4, that is equal to log natural 16. तो स्टूडेंट यहां से ऑप्शन बी हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, ओवरऑल मैं कहूंगा इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक होने की चांसेस ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन में कोई खास लॉजिक इसमें लग नहीं रहा, बस ये ऑब्जर्व करना था कि अगर ये टी लिखा हो तो 1 बाई टी लिखा हुआ है, और इसका होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं जिससे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा और समझ में भी आया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इंटीग्रेशन यूजिंग लिमिट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम, उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया। एक बार हम क्वेश्चन को ध्यान से रीड करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 बाई एन इंटीग्रेशन समेशन 0 टू 2 एन माइनस 1 एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर। सो स्टूडेंट जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। ओके, सो इस क्वेश्चन में देखिए क्या रहेगा, जब भी इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम यूज करते हैं तो 1 बाई एन को रिप्लेस करते हैं dx से, r बाई एन को रिप्लेस करते हैं x से, समेशन को रिप्लेस करते हैं इंटीग्रेशन से, और जो लिमिट्स होती है उस लिमिट्स को हम डिवाइड बाई n करते हैं, जो भी लिमिट होती है डिवाइड बाई n करते हैं और लिमिट लगाते हैं एन अप्रोचेस टू इनफाइनाइट। दिस इज इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। 1 बाई एन डीएक्स समेशन इंटीग्रेशन एन स्क्वायर, ऊपर से कॉमन ले लो नीचे से कॉमन ले लो, नीचे डिवाइड कर दो
तो यहां पे बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 4 आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, आर बाई एन को पुट करना है x, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर। आर इक्वल टू 0 टू एन माइनस 1, जब r इक्वल टू 0 है तो 0 बाई एन लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफाइनाइट कितना होगा 0। जब 2n माइनस 1 है तो यहां पे हो जाएगा 2n माइनस 1, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट 2n माइनस 1 अपॉन n, 2n माइनस 1 अपॉन n, दिस इज इक्वल टू 2, तो यहां पर बन जाएगा 2। सो एक्चुअली स्टूडेंट्स क्वेश्चन बस इतना सा लिखा हुआ है, ओके i इज इक्वल टू दिस। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, 1 बाई एक्स को पुट करते हैं dx, r बाई एन को पुट करते हैं x, समेशन को पुट करते हैं इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट फाइंड आउट करते हैं, इसमें लोअर लिमिट को डिवाइड बाई कर दो लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, अपर लिमिट को फाइंड आउट करते हैं, इसमें अपर लिमिट पुट कर दो डिवाइड बाई एन कर दो लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफाइनाइट। सो लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफाइनाइट 2n माइनस 1 बाई एन 2 बन गया, और नीचे तो 0 था तो 0 बन गया, तो ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया, इसको हमको सॉल्व करना है। अब इसके बाद जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय ए, 1 बाय ए टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, डायरेक्ट वो फॉर्मूला हम इसमें यूज कर लें और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना है, आई होप इसको आगे आप कर लेंगे। अभी हमारे पास बचे हैं दो क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, चलिए पहले इसी क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो स्टूडेंट्स ये वाला था, मैं इसको दोबारा से नोट कर देता हूं, इसमें टाइपिंग एरर है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं, इसको दोबारा लिख देते हैं, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, ओके नहीं आई थिंक ये क्वेश्चन सही लिखा हुआ है, तो माइनस पाई बाई टू, हाँ सही लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सही लिखा हुआ है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके तो आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को लग रहा था वहां पर वो पाई की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन एकदम सही लिखा हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू इंटीग्रेट करना है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस पाई टू दी पावर साइन एक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगर कोई एक फॉर्मूला है तो वो है किंग्स रूल डेफिनेट इंटीग्रेशन में। अगर a टू b एफ एक्स डी एक्स लिखा होता है तो उसको आप लिख सकते हैं a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर a और b एक दूसरे के अपोजिट साइन के माइनस साइन के हैं तो a प्लस बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी इस केस में आप सिंपली x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, x को किससे रिप्लेस कर सकते हैं माइनस ऑफ x से, तो यहां पे बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ माइनस x, तो दोबारा साइन स्क्वायर x बन जाएगा, राइट स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में 1 प्लस पाई की पावर साइन एक्स है तो पाई की पावर माइनस साइन एक्स बनेगा और ऊपर चला जाएगा पाई की पावर साइन एक्स डी एक्स और यहां पे बनेगा पाई टू दी पावर साइन एक्स प्लस 1, पाई पावर माइनस साइन एक्स को हम पुट करेंगे 1 बाई पाई टू दी पावर साइन एक्स और फिर वो एलसीएम लेंगे तो ऊपर चला जाएगा। अभी इसके बाद आई की वैल्यू इसके भी इक्वल है, आई की वैल्यू इसके भी इक्वल है तो दोनों आई को हम एड कर देते हैं, तो 2i की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, इसके राइट 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है, 1 प्लस पाई की पावर एक्स बचा हुआ कैंसिल हो जाता है, तो इसको हम बोलेंगे माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। तो यहां से जब x को माइनस ऑफ x से रिप्लेस करेंगे तो अगेन 2 टाइम्स हो जाएगा, सो 2y इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू, 0 टू पाई बाई टू 1 प्लस साइन स्क्वायर x dx, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहां से ये बना दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू 1 प्लस
साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो दिस इज इक्वल टू स्टूडेंट्स वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, लिमिट पुट करेंगे तो पाई बाई टू हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो बन जाएगा वन माइनस कोस टू एक्स डिवाइडेड बाई टू, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आगे सॉल्व हो जाएगा जीरो टू पाई बाई टू। ओके, जीरो टू पाई बाई टू जब इसमें हम पुट कराएंगे तो यहाँ से बनेगा, जगह की थोड़ी कमी पड़ रही है तो इसको चलो मैं लिखता हूँ, वहां से बनेगा पाई बाई टू प्लस इंटीग्रेशन वन बाई टू इंटू पाई बाई टू माइनस कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, कोस टू एक्स का इंटीग्रेशन साइन टू एक्स बाई टू, लिमिट पुट कराएंगे जीरो टू पाई बाई टू, जीरो पुट कराने से भी जीरो, पाई बाई टू पुट कराने से भी जीरो, तो यहां से ये हो जाएगा जीरो के इक्वल। तो दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू जीरो, अगर ये क्वांटिटी जीरो है तो यहां से पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर बना थ्री पाई बाई फोर, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर टाइम ऑलमोस्ट हो गया, तो एक बस लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, उसको हम देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर फाइव, जीरो टू फाइव एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन एक्स ई पावर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एल्फा ई पावर माइनस वन प्लस बीटा, दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, फाइव अल्फा प्लस सिक्स बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करानी है। ओके, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं मेथड क्या होगा। जब भी स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का क्वेश्चन आ जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का आपको ग्राफ मालूम होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ बनता है कुछ ऐसे, दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, जीरो वन टू थ्री फोर एंड सो, और यहां से बनेगा माइनस वन, यहां से बनेगा माइनस टू एंड सो। ओके स्टूडेंट्स, वन टू थ्री एंड सो ऑन, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड सो ऑन। ओके, अभी यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू हम इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं, तो जीरो टू वन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन ई पावर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डी एक्स प्लस वन टू टू एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन ई पावर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डी एक्स प्लस टू टू थ्री सेम क्वांटिटी प्लस थ्री टू फोर सेम क्वांटिटी प्लस फोर टू फाइव सेम क्वांटिटी। जब एक्स की वैल्यू जीरो से वन तक जा रही है, जब एक्स की वैल्यू जीरो से वन तक जा रही है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो, तो यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को सिंपली पुट कर देंगे जीरो, तो ये बन जाएगा केवल इंटीग्रेशन एक्स बाई ई पावर एक्स। जब एक्स की वैल्यू वन से लेकर टू तक जा रही है, जब x की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक जा रही है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 1, तो यहां पर हम सिंपली सब्स्टिट्यूट कर देंगे x प्लस वन। अच्छा यहां पे माइनस था, माइनस साइन है तो यहां पे माइनस वन, एक्स प्लस वन माइनस वन। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 2 से 3, x की वैल्यू जब 2 से 3 तक जा रही है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 2 जा रही है, तो यहां पर हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन e पावर x माइनस टू, यहां पर एक्स प्लस थ्री अपॉन ई पावर एक्स माइनस थ्री, यहां पर एक्स प्लस फोर ई पावर एक्स माइनस फोर। स्टूडेंट्स अब यहां पर बस हमको इसको सॉल्व करना है, यहां पे एक्स लिखा हुआ है, एक्स प्लस वन लिखा हुआ है, एक्स प्लस टू लिखा हुआ है, एक्स प्लस थ्री लिखा हुआ है, तो एक काम करते हैं इसमें हम, ताकि ये सभी के सभी एक्स अपॉन ई पावर एक्स के फॉर्मेट में नजर आने लगे, उसके लिए हम x प्लस टू को अगर टी पुट कर दें, जैसे इस केस में अगर x प्लस टू को टी पुट करते हैं तो यहां पे लिमिट बनेगी फोर टू फाइव, नहीं तो एक काम करते हैं इसमें स्टूडेंट्स x माइनस टू यहां पे लिखा हुआ है तो x माइनस टू को टी पुट कर देते हैं। तो देखिए इसके बाद फर्दर कैसे प्रोसीड करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं, ये dx भी है यहां पे साथ में। ओके, इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे x माइनस वन को t के इक्वल,
एक्स माइनस वन को जब टी के इक्वल पुट करेंगे तो लिमिट हो जाएगी 0 to 1। इसमें एक्स माइनस टू को सब्सटीट्यूट करेंगे टी के इक्वल तो ये लिमिट हो जाएगी 0 to 1। इसमें x माइनस थ्री को t पुट करेंगे तो ये लिमिट हो जाएगी 0 to 1। इसमें x माइनस फोर को t पुट करेंगे तो लिमिट हो जाएगी 0 to 1। यहां तक समझ में आया? अब हम हर जगह t पुट कर रहे हैं तो आपको उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये डमी वेरिएबल है, डमी वेरिएबल में कुछ भी पुट कर सकते हैं। डी टी डी एक्स हर जगह पे डी टी बन जाएगा, डी एक्स हर जगह पे डी टी बन जाएगा। ऊपर क्या बनेगा? x माइनस वन को t पुट किया है तो x को पुट कराए t प्लस वन, तो यहां पे बनेगा t प्लस वन प्लस वन, तो t प्लस टू। तो मैं इसको और क्लियरली लिख देता हूं सब जगह, देखिए e पावर t t प्लस टू, e पावर t t प्लस फोर, और यहां पर लिमिट थी 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 थी, तो यहां पर 3 to 4। अच्छा, लिमिट थी 3 to 4 और हमने t को पुट किया, t माइनस थ्री को पुट करा है, तो यहां पे बन जाएगा 0 to 1 t माइनस थ्री, तो यहां पर t, और ऊपर बनेगा t प्लस कितना था 3 to 4, तो 3 to 4 में 3 और 3 plus 3 6, t प्लस 6। और एक्चुअली स्मार्ट बोर्ड में करने का वो ये इरेज कर देते हैं, जगह थोड़ी कम है तो वो याद नहीं आ रहा क्या था पहले क्या लिखा हुआ था, और यहाँ पे हो जाएगा 0 to 1। ओके स्टूडेंट्स, टी माइनस फोर तो यहाँ पे बन जाएगा टी प्लस एट और ई पावर टी, टी प्लस एट ई पावर टी, सब जगह डी टी है, डी एक्स कहीं पर भी नहीं है, अभी सब जगह डी टी है। राइट स्टूडेंट्स, तो देखो वेरिएबल डमी वेरिएबल है, टी लिखें एक्स लिखें कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम वापस एक्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस एक्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हो सकता है लग रहा हो कि एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। 0 to 1 एक्स प्लस एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस फोर प्लस एक्स प्लस सिक्स प्लस एक्स प्लस एट, ये न्यूमरेटर में बना है, डिनोमिनेटर में बना है e टू दी पावर x, और यहां पर हो जाएगा dx। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज इंटीग्रेशन 0 to 1, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स x आ रहा है, तो 5 को बाहर कॉमन ले लेते हैं e पावर x, और यहां पर 2, 4, 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, तो 20 में से जब हम 5 कॉमन लेंगे तो ये बन जाए। ओके स्टूडेंट, अब इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 5 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस 5 into 4 यानी 20 ई पावर माइनस एक्स, ई पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, लिमिट जब पुट कराएंगे तो माइनस वन को यहां रख दें, ई पावर माइनस वन माइनस ई पावर जीरो दैट इज वन, तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद इतना आ गया। अब इसको फर्दर इंटीग्रेट करने के लिए स्टूडेंट्स हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जिसमें हम एक्स को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और ई पावर माइनस एक्स को मानेंगे सेकंड फंक्शन, ई पावर माइनस एक्स को अज्यूम करेंगे सेकंड फंक्शन। तो आई होप इसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर हम क्लास को कंक्लूड करते हैं, इसका जो आंसर आएगा फाइनली सॉल्व करने के बाद वो मैं आपको बता देता हूं। तो स्टूडेंट्स इसको आप सॉल्व करने के बाद ऑब्जर्व करिए, फाइनल आंसर इसमें ऑप्शन 1 आ जाएगा इसमें, ठीक है, थैंक यू।